दोस्तों हम बात करेंगे रोज वैली रिफंड लेने के लिए इसका एप्लीकेशन करने का सही तरीका क्या है, कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे, कैसे आपका रिफंड आ पाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे सबमिट करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से आपको बताने वाले हैं, हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आपको दिखाने वाले हैं ताकि आप भी देखें और आप भी अपना एप्लीकेशन करें और आपका रिफंड आ जाए और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। तो वीडियो को बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसका एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले इनका ऑफिशियल वेबसाइट में आना पड़ेगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आप ऊपर की तरफ में यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड सर्टिफिकेट में तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, याद रखेंगे तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना। पहला ऑप्शन जो कि इन्वेस्टर यानी कि आपके नाम पे सर्टिफिकेट है और आपके अपने ही नाम पे आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टर में क्लिक करना है। अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टर आप नहीं है, आप नॉमिनी थे सर्टिफिकेट के अनुसार और आप नॉमिनी के अनुसार आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसमें टिक कर लेना। और ये मान लीजिए कि ना ही आप इन्वेस्टर हैं और ना ही नॉमिनी है तो सिंपली आपको यहाँ पे अदर्स में क्लिक कर लेना। याद रखेंगे यहाँ पे जो आपको टिक कर लेना उसी के अकॉर्डिंग नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स और बाकी के डिटेल फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे केस में यहाँ पे इन्वेस्टर ही एप्लीकेंट है तो उनके बेसिस में यहाँ पे मैं एप्लीकेशन करने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने इन्वेस्टर सिलेक्शन किया। और नीचे यहाँ पे जो डिटेल हमें मिल रहा सिलेक्ट द कंपनी, यानी कि कंपनी यहाँ पे बहुत सारा था, जो रोज वैली कंपनी है जो आपका सर्टिफिकेट है उसी में आपको मेंशन किया हुआ देखने को मिल जाएगा कि आपका कंपनी कौन सा और आप किस में इन्वेस्ट किए थे, उसका डिटेल पहले आपको यहाँ पे कन्फर्म कर लेना है। दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहते हैं सर्टिफिकेट कहाँ मेंशन किया रहता है, कंपनी जहां पे आपने इन्वेस्ट किया था, देख सकते हैं यहां पे डिटेल लिखा हुआ है रोज वैली होटल एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड। तो यहां पे जो कंपनी देख पा रहे हैं यहां पे आपको सेम कंपनी का नेम सिलेक्शन कर लेना है, याद रखें कि यहां पे आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पे फर्स्ट इन्वेस्टर, चूंकि यहां पे फर्स्ट इन्वेस्टर है तो यहां पे एप्लीकेंट का नेम, आपके जो सर्टिफिकेट है और यहाँ पे देखिए आपके सर्टिफिकेट में एक ही नेम है, यहाँ पे एक नेम देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका ये सर्टिफिकेट जहाँ पे आपका जॉइंट एप्लीकेंट यहाँ पे नेम होता, जहाँ पे आप कुछ भी नेम नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेकंड नेम इंटर करने की जरूरत पड़ता, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नेम यहाँ पे आपको इंटर करने का जरूरत पड़ता है। क्योंकि मेरे केस में यहाँ पे सिंगल एप्लीकेंट है तो यहाँ पे आपको नेम एंटर कर लेना है। सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नेम आप एंटर कर रहे हैं आपका जो रोज वैली का सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एज एंटर करना है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप अभी अपलोड करने वाले हैं, मान लीजिए आधार कार्ड आपको यहाँ पे देना है तो आधार कार्ड में जो एज आप देख पा रहे हैं उसी हिसाब से आज का डेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन कर लेना है। मान लीजिए आपके आधार कार्ड में 1965 है तो अभी चल रहा है 2024, इंटर करिए और देखिए 59 यहाँ पे आ चुका है, इसे 59 यहाँ पे इंटर कर दिए। इसके बाद हमें जेंडर पूछा जा रहा है तो जेंडर जो भी एप्लीकेंट का होगा यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। फोन नंबर यहाँ पे आपका वैलिड होना चाहिए और ईमेल आईडी भी वैलिड होना चाहिए, वेरीफाई इसमें आपको क्लिक कर लेना। इसके बाद हमें यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में डॉक्यूमेंट सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो वो डॉक्यूमेंट्स का डिटेल यहाँ पे आपको इंटर कर लेंगे। मान लीजिए अगर आप आधार कार्ड यहाँ पे देते हैं तो आपका आधार कार्ड का जो नंबर है इसे यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में सेकंड होल्डर एप्लीकेबल नहीं था इसीलिए यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं इंटर करना है। अगर आपका एप्लीकेबल होगा तभी जाकर के आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको आता है यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप डिटेल, फादर नेम या हस्बैंड नेम देख लेंगे आपके आधार कार्ड में कौन सा नेम एप्लीकेबल है। मान लीजिए अगर आपका फादर नेम है तो फादर नेम दे सकते हैं, मान लीजिए अगर आपका आधार कार्ड में हस्बैंड नेम है तो हस्बैंड नेम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर लेना है, कैसे फिल करेंगे यहाँ पे आपको जो विलेज है विलेज का नेम इंटर करेंगे, या फिर हाउस नंबर है तो हाउस नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, उसके बाद स्ट्रीट, उसके बाद विलेज, सिटी, टाउन जो भी है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और यहाँ पे आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड इंटर कर लेना है। याद रखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड में जो डिटेल है उसी हिसाब से यहाँ पे आपको डिटेल
इंटर कर लेना। इस तरह से सभी डिटेल को यहाँ पे आपको इंटर कर लेने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ इन्वेस्टर। तो बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी कंपनी का बैंक है, मान लीजिए आंध्रा बैंक, यूको बैंक, जो भी बैंक है उस बैंक का नेम यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द ब्रांच, याद रखेंगे आपका बैंक ब्रांच के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद ब्रांच कोड और उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर केयरफुली इंटर करना है, MICR कोड और यहाँ पे IFSC कोड भी इंटर करना पड़ेगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको नहीं मिलता है, सिर्फ आपके पास अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट और IFSC कोड नेम रहता है, लेकिन MICR कोड और बाकी के डिटेल नहीं अगर आपको मिलता है आपके बैंक अकाउंट डिटेल में, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली अपना सर्च करेंगे आपका जो IFSC कोड है उसे सर्च करेंगे और वहां पे आपको क्लिक कर लेना। देख सकते हैं यहां पे मैंने जब क्लिक किया तो हमारा IFSC कोड का सभी तरह का डिटेल हमें यहां पे देखने को मिल जा रहा है। देख सकते हैं बैंक का ब्रांच का नाम यहां पे नगर और साथ ही में IFSC कोड जो यहां मेंशन है, इसके अलावा यहां पे आपका जो MICR कोड है ये भी यहाँ पे डिटेल हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से डेटा आपको कलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट डिटेल सही तरीका से, प्रॉपर तरीका से डिटेल सभी को एंटर करना है। कोई भी ऐसा रीजन आपको नहीं छोड़ना है जिसकी वजह से रीजन बन पाए और आपका रिफंड नहीं आ पाए। डिटेल सभी तरह से एंटर कर लेने के बाद नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो आपने डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करना है, जो आपने इन्वेस्ट किए थे उसके डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे जो देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट नंबर, बॉन्ड नंबर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे यहाँ पे अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपका यहाँ से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा, हो सकता है आप दोबारा एप्लीकेशन नहीं भी कर पाए, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर ही आपका एप्लीकेशन नंबर में यहाँ पे आपका अभी कन्वर्ट होने वाला है। कैसे होने वाला है आगे बात करते हैं। बात करेंगे सर्टिफिकेट नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल बुकिंग फॉर्म नंबर, यही है आपका सर्टिफिकेट नंबर। पहला नंबर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका नंबरिकल नहीं है, ये आपका अल्फाबेट है D3, उसके बाद में भी आपको अल्फाबेट नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये डिपेंड करता है आपका सर्टिफिकेट के ऊपर कि आपके सर्टिफिकेट में कौन सा नंबर है, किस तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिस्टेक ना करें, अच्छी तरह से देखें, उसके बाद यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर अच्छी तरह से जो डिटेल दिया है उसे यहाँ पे सबसे पहले आपको एंटर कर लेना। यहाँ पे आपको वही नेम एंटर करना है जिसके नेम से यहाँ पे सर्टिफिकेट में जो नेम स्पेलिंग है उसी हिसाब से यहाँ पे डिटेल एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो डेट देना आपको जो डेट में आपका जो यहाँ पे बुकिंग हुआ था उसका डेट यहाँ पे देना है। कहाँ मिलेगा इसका भी डिटेल में आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुकिंग डेट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बाकी का जो डिटेल है बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, याद रखेंगे जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उसका डिटेल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 600 है और आपने जितना बार आपने पेमेंट किया है, सभी रिसिप्ट को भी होगा, उसका आपको कैलकुलेशन कर लेना है। मान लीजिए मेरे केस में यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे मेरा 18,000 हुआ, उसको यहाँ पे हमें एंटर कर लेना है। इसके अलावा जो हमें यहाँ पे डिटेल देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट में भी हमें जो एप्लीकेशन वैल्यू लिखा हुआ 600 यहाँ पे डिटेल, और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि कितने बार इसे देने पे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मेरा कंप्लीट हो जाता उसका भी प्रीमियम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 40 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे टोटल डिटेल है। तो इस तरह से जो भी आपका कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसको टोटल आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको इंटर कर लेना। डेट ऑफ मैच्योरिटी यानी कि आपका जो मैच्योरिटी डेट है, कब ये आपका प्रीमियम कंप्लीट हो जाता उसका भी डिटेल देखिए सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाय द एप्लीकेंट्स ऑफ द एंड ऑफ द, उसके बाद यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं जो कि 23 जून 2016। इसके बाद यहाँ पे देखिए अमाउंट रिसीव एट मैच्योरिटी और रिफंडेड बाय कंपनी। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है आपने जब आपका प्रीमियम चल रहा था आपने हो सकता है कभी आपने अमाउंट लिए है या फिर आपका अमाउंट रिफंड किया गया है पहले, तो जितना भी अमाउंट आपने पहले से रिसीव किया वो अमाउंट यहाँ पे आपको मेंशन कर देना। एग्जांपल के तौर पे जो भी आपने अमाउंट रिसीव किए हैं उसको यहाँ मेंशन करना है। नहीं रिफंड किए हैं, आपने कोई भी पैसा पहले नहीं लिया है, सिंपली यहाँ पे आपको 0 इंटर कर देना। अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल नॉट रिफंडेड
अमाउंट ऑफ क्लेम, यानी कि जो आपने क्लेम किए थे वो आपका रिफंड नहीं हुआ, जो अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको रिफंड नहीं मिला है। तो सिंपली जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ पे आपको ले लेना, आपने जितना पैसा जमा दिया उतना पैसा आपको वापस चाहिए, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो आपको पता नहीं, क्योंकि आपका जो प्रीमियम है आपने पूरा कंप्लीट जमा नहीं किए थे। मान लीजिए आपने पूरा जमा कर दिए हैं तो यहाँ पे आपका जो विथ इंटरेस्ट होता है वो डिटेल आपको इंटर करना था, क्योंकि मेरे केस में यहाँ पे कोई भी जो प्रीमियम होता है वो पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आपका जो आपने इन्वेस्ट किए थे वही अमाउंट यहाँ पे आपको इंटर करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा अमाउंट इंटाइटल टू गेट, कितना अमाउंट के लिए आप हकदार हैं, कितना आप एलिजिबल अमाउंट बनते हैं, उसका भी डिटेल। तो सिमिलरली भाई मैंने जितना पैसा जमा दिया था उतना पैसा मुझे रिफंड चाहिए, इस तरह से सभी डिटेल को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। एक बार आपको फॉर्म को ऊपर की तरफ करके डिटेल अच्छी तरह से देख लेंगे कि अभी तक जो भी डिटेल आपने फिल किए हैं क्या सही है। अगर आपका बिल्कुल सही है तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपको क्लिक कर लेना। अगर आपको लगा कि कुछ मिस्टेक है तो पहले एडिट कर लें। इसके बाद हमें यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है पहले डिटेल आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो मैंने अभी दिखाया था आपको उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना। उसके बाद ओरिजिनल कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट इफ सर्टिफिकेट आर सबमिटेड टू द कंपनी एट मैच्योरिटी फॉर रिफंड, क्योंकि मेरे केस में कभी रिफंड मिला ही नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट है तो भाई इसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीन नंबर में एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल होगा, यदि आपका नेम कुछ भी अगर जो सर्टिफिकेट में है उसका नेम अलग है और आपके आधार कार्ड का नेम अलग है, यानी कि दोनों नेम अगर आपका अलग मिलता है आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैच नहीं करता है तो फिर यहाँ पर आपको एक एफिडेविट बनवा लेना पड़ेगा। ये आपका नियरेस्ट जो भी कोर्ट होता है या रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ से आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट में ये मेंशन करवा लेंगे कि सर्टिफिकेट का नेम और जो एप्लीकेंट का एक्चुअल नेम जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है बोथ आर द सेम पर्सन, इस तरह से आपको वहाँ पे जाना है, वो खुद ही बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है पैन कार्ड पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप चाहे तो यहाँ पे पैन कार्ड दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आधार कार्ड और यहाँ पे भी आधार कार्ड दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे, उस हिसाब से यहाँ पे आपको दोनों ही यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना वन बाय वन। इसके बाद आता है यहाँ पे फोटोकॉपी ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ द बैंक पासबुक, तो बैंक पासबुक है तो यहाँ पे आपको उसको दे देना है, और इसके बाद यहाँ पे कैंसिल चेक यहाँ पे अगर आपके पास है तो दे देना। मान लीजिए आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो जो फ्रंट कॉपी आप दे रहे हैं जो बैंक अकाउंट का पासबुक दे रहे हैं उसको यहाँ पे भी देना और उसको यहाँ पे भी दोनों सिलेक्शन कर लेना। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है लेकिन 3 MB से एक्सीड नहीं होना चाहिए, आपका लेस देन 3 MB से होना चाहिए। मान लीजिए आपका 2 MB 1 MB इस तरह का फाइल यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। देख सकते हैं मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सिलेक्शन कर चुका है, सिंपली वन बाय वन यहाँ पे अपलोड सेक्शन में आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैंने अपलोड सेक्शन में यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ कैंसिल भी कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए मुझे अपलोड करना है तो वन बाय वन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे मैं अपलोड कर लूंगा। मेरा जो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का नेम स्पेलिंग एग्जैक्टली मैच कर रहा था इसीलिए मुझे एफिडेविट का कोई भी जरूरत नहीं है, बाकी का डॉक्यूमेंट जो जरूरत था मैंने यहाँ पे वन बाय वन सिलेक्शन कर लिया है। तो इस तरह से मैंने जो आपको प्रोसेस बताया आप भी सेम प्रोसेस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और ये एप्लीकेशन को कर पाएंगे। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो ईमेल आईडी जो मैंने बताया था वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स मेरा यहाँ पे अपलोड हो चुका, अभी मुझे यहाँ पे सबमिट का सेक्शन मिल जा रहा है, इसमें मुझे सबमिट यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टर सेव सक्सेसफुली, ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। अभी यहाँ पे मुझे ओके में क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह से कोई भी एक्नॉलेजमेंट कॉपी नहीं मिला है लेकिन फिर भी हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगे क्या करना है, आपके पास गूगल क्रोम के अलावा कोई और ब्राउजर, मान लीजिए आपके पास फायरफॉक्स हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर हो, कोई भी आप ब्राउजर ओपन करेंगे अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं या कंप्यूटर से जिससे भी कर रहे हैं, उसके बाद आपको सेम वेबसाइट में यानी कि इसी रोज वैली के वेबसाइट में आपको जाना है। उस ब्राउजर से यहाँ पे हमें आना है इन्वेस्टर्स, इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए सर्च बाय सर्टिफिकेट नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना यहाँ पे आप
नहीं कर सकते हैं एप्लीकेशन को फिल, और मिस्टेक कर देते हैं तो भी बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तो आपका सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका बुकिंग फॉर्म नंबर होता है उसको यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है, टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे कैप्चा पूछा जा रहा है, तो सिंपली कैप्चा यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए सर्च मैंने किया और हमारा यहाँ पे डिटेल देखने को मिल गया, हमारा एक्नोलेजमेंट नंबर यानी कि यहाँ पे हमें एक्नोलेजमेंट नंबर भी हमें यहाँ पे मिल गया, साथ ही में अमाउंट और बाकी का डिटेल यहाँ पे बता रहा है कि एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत ही जल्द यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा, बाकी का अलर्ट वगैरह हमारे ईमेल और मोबाइल पे आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमें इसे प्रिंट करना है, इसलिए यहाँ पे जो देख सकते हैं रेड जो हमें यहाँ पे एक्नोलेजमेंट कॉपी, इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। इस तरह से हमारा डिटेल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ऊपर में यहाँ पे प्रिंट का सेक्शन है, क्लिक किया मैंने, और इसे अगर आप आपका कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंट करिए, या फिर इसे सेव एज ए पीडीएफ फाइल में सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना रोज वैली के लिए रिफंड क्लेम करिए, आपका रिफंड जितना जल्दी हो सके आ जाएगा। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहेंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।